नमस्कार दोस्तों, मैं मीना शर्मा स्मिता की बड़ी सिस्टर हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं स्मिता से यह कहना चाहती हूँ कि अपना चैनल स्टार्ट करें, यूट्यूब चैनल, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। संभालने का समय तो लगेगा संभलने के लिए, तो पर तब भी हम चाहते हैं कि वो YouTube पे काम करे अपना। और जिया जी भी चाहते थे, जिया जी की इच्छा थी कि वो एक अच्छी यूट्यूबर बने। और हम उससे नहीं कहते अगर YouTube से इनकम ना होती, YouTube से इनकम भी होती है, लेकिन उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि जितने आप लोग हैं उतना आप एक एक और सब्सक्राइबर करेंगे तो उसके सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और उसके बाद ही मोनेटाइज होता है चैनल। कुछ ऐसी यूट्यूब की है, होती है कुछ आगे कार्रवाई, तो उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो तब मोनेटाइज होगा उसका चैनल। तो हो सकता है उससे कोई थोड़ी बहुत ही इनकम ही उससे हो जाए। तो मैं तो चाहती हूँ कि वो छोटे छोटे क्लिप बनाए, अगर ज़्यादा नहीं बना सकती, 15 मिनट की नहीं बनाएगी तो 5 मिनट की, 7 मिनट की ऐसी वीडियो बना के डाले अपने यूट्यूब पे, ताकि चैनल चलता रहे, बंद ना हो, क्योंकि स्टार्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है। उसकी यूट्यूब पे कोई 200-300 वीडियो है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो आगे भी काम करे। चलो हफ्ते में 1-2 वीडियो ही डालती रहे, तो आप लोग उसे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो अपने यूट्यूब पे। और हम भी चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही है, कुछ ना कुछ तो करना है, काम तो करना ही पड़ेगा, और तभी आगे ज़िंदगी चलेगी। लेकिन जो चले गए हैं उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं होगी, और बस यादें ही है उनकी, उन यादों के सहारे ही जीना है। होता है अगर इंसान बीमार हो तब तो भी होता है, लेकिन जिया जी एकदम से चले गए ज़िंदगी से, तो सबको संभालने के लिए टाइम चाहिए। दुख तो सब पर है, पूरी शर्मा फैमिलीज पर दुख है, उनके माँ बाप पर भी है, हमें सबकी लगती है। जिया जी थे ही ऐसे इंसान जो सबसे हंसकुल कर मिलते थे, रिश्तेदारी में जान पहचान इतनी बना देते थे। मुझसे तो बहुत लड़ाई करते थे कि मैं बोलती थी उनको कि फ़ोटो नहीं खिंचाने, मैं बहुत कम फ़ोटो खिंचाती थी, तो उनको फ़ोटो का बहुत शौक़ था। उनके मोबाइल में 17-18 हज़ार फ़ोटो हैं, और अब वो यादें बनकर रह गए हैं। सच में अब देखते हैं तो याद तो आती है, लेकिन उन यादों के सहारे ही हमें आगे चलना है। और स्मिता को भी यही कहना चाहते हैं कि बैठ के तो ज़िंदगी नहीं काटी जाएगी, आगे तो खड़े होना ही पड़ेगा। बच्चे हैं, जिम्मेवारियां हैं, बहुत सी है, अपने माँ बाप को भी देखना है, उनके माँ बाप को भी देखना है, औरों को भी देखना है। जब वो खड़ी होगी तभी हम लोगों में हिम्मत आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा क्लिप डालती रहे। बच्चों से भी कहना चाहती हूँ, बच्चे भी, उन्होंने भी छोड़ दिया है। मैं दिब्बू से भी कहना चाहती हूँ कि वो छोटी छोटी क्लिप बना के डाल दे, आगे मूव ऑन होना चाहिए ज़िंदगी में। और कभी कहीं की कुछ ना कुछ, बच्चे हैं कुछ ना कुछ तो यादें, तो मतलब इंसान टूट ही जाता है अगर एकदम से कुछ ऐसा हो जाए, हम मानते हैं, लेकिन टूट के बिखरना नहीं चाहिए, जुड़ना चाहिए, और आगे तो बढ़ना ही है, हिम्मत तो रखनी है। बहुत से हादसे हो चुके हैं, अब देखो शिमला में जो हुआ, औरों को देखकर ही मतलब ऐसा होता है कि हमारा दुख बहुत कम है, दुनिया में बहुत से दुख है। वो है ना कि गाना भी तो बनाया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो ये लिखने वाले ने बहुत ही अच्छा लिखा है। आज हमें समझ आता है कि कई बातें पहले हमें नहीं आता था, मतलब होता है कि गाना है बस ऐसे, लेकिन पहले के गायक भी ऐसे थे कि वो ऐसा लिख देते थे कि ज़िंदगी भर याद रहता था। जैसे वो गाना है जगजीत सिंह का कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, तो सच में वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं।
और ढूंढे कोई उन्हें, मिले कदमों के भी ना निशान। तो मतलब कितना आप उनको ढूंढो खोजो लेकिन उनके निशान तक नहीं मिलेंगे। बस ये है कि फोटो में उनकी यादें हैं, दिल में उनकी यादें हैं, और बस यादों के सहारे ही जीना है आजकल। अगर पुराने गाने सुनने हो तो सच में उनमें पूरी सच्चाई होती है कि सच जिंदगी कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, सबको जाना है एक दिन, लेकिन ये है कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी चले गए, बहुत धोखा दे गए वो हमारे को, धोखा ही समझो, एकदम से धोखा ही दे के चले गए वो हमें। ऐसे भी इंसान को नहीं जाना चाहिए, सच में पता नहीं भगवान भी कहाँ है और कितनी परीक्षा लेंगे। पूजा पाठ भी बहुत करते थे, कहते हैं पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो, सच पूजा पाठ तो चलो करना ही पड़ता है इंसान को, जब अंदर से इंसान टूट जाता है तो भगवान ही याद आते हैं, तो भगवान के सहारे भगवान हिम्मत भी दे देते हैं। तो मैं तो सुनता से यही कहूँगी कि अपना चैनल स्टार्ट करें और आगे बढ़े और औरों को भी देखें। ज़िंदगी में बहुत बहुत दुखी इंसान है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो दुखी है, तो प्लीज़ आप लोग भी उसे कमेंट करके बताना कि अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी क्लिप डालती रहे, ठीक है, मैं भी यहाँ से थोड़ी थोड़ी क्लिप उसको देती रहूँगी, अगर वो चाहती है तो कुछ ना कुछ हम भी उसकी हेल्प करेंगे उसमें, कभी यहाँ का डाल दिया, कभी वहाँ का डाल दिया, तो मैं तो वीडियो बना के उसे सेंड करती रहूँगी। अगर वो चैनल चलाना चाहती है तो वो अपने चैनल पे डाल सकती है, मैं छोटी छोटी क्लिप बनाकर उसको दे दूँगी। मतलब ऐसा है कि जब तक वो समझेगी तो यूट्यूब बंद ना हो, बस मैं ये चाहती हूँ कि वो बंद ना हो, इतनी मेहनत की है जिया जी ने भी, तो उनके पास पैसे भी नहीं होते थे लेकिन वो तब भी उसका, उनके ससुर उसका रिचार्ज करवाते थे और उसे मोटिवेट करते थे कि वीडियो बनाओ। हाँ, उनके ससुर ने भी बहुत साथ दिया है उसमें, उनका रिचार्ज करवाते थे कि तू वीडियो बना, लेकिन अब टूट चुके हैं सब, अब दोबारा से संभलने के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन क्या करे, उठना तो पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो YouTube पे आए और अपनी छोटी छोटी क्लिप डालती रहे, कुछ नहीं है 5 मिनट की ही डाले, लेकिन डाले, टाइम तो निकालो थोड़ा थोड़ा, एक ही उसमें ना बैठे कि बस बैठे रहे सोचते रहे, सोचने से कुछ नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि आप भी उसके सब्सक्राइबर बढ़ाए, जितने हैं उतने और हो जाए, मतलब ऐसा है कि मोनेटाइज हो जाए, अभी उसको ज़्यादा पता भी नहीं है, लेकिन चलो अगर मोनेटाइज हो जाएगा चैनल तो खुशी, थोड़ी इनकम आएगी तो इंसान सोचता है कि हाँ मैं इसमें मेहनत करूँगा, अभी उसमें इनकम नहीं है तो तब लगता है कि छोड़ो परे, लेकिन इतने इतना 200-300 वीडियो डाली है, इतनी मेहनत की है, तो कुछ ना कुछ तो उसका भी फायदा उठाना चाहिए उसको। तो मैं तो चाहती हूँ कि वो YouTube पे आए। धन्यवाद। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, ढूंढे कोई उन्हें मिले ना कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, ढूंढे कोई उन्हें मिले ना कदमों के भी निशान। जो इस रास्ते से गया है वो जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलता है, यहाँ तक कि उसके निशान भी नहीं मिलते हैं, बस यादें हैं जो उसके साथ है, उन यादों के सहारे हम सब जिएंगे, हम उसके साथ हैं और अच्छे से उसकी जिंदगी आगे गुजरे हम यही चाहते हैं। अब जो चले गए हैं उनको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको जहाँ भी वो है उनकी आत्मा को शांति दे भगवान जी, और भोलेनाथ उनको अपने चरणों में जगा दे। जय श्री राम।